वेलकम बैक टू, मैं हूँ आपके अपना राज भाई राज आपके सामने। डोमिनोर 400 और इसके जो मॉडिफिकेशन है ये आपकी पूरी फुल लोड टूरिंग वाली, टूरिंग मोड आपके इसके अंदर लोड किया गया। जैसे कि आपको फ्रंट से देखने को मिल रही है इसके अंदर क्रैश गार्ड, क्योंकि इसके अंदर लगा दिया गया, देख सकते हो आप, ये इसका क्रैश गार्ड है, फुल बॉडी क्रैश गार्ड इसके इंस्टॉल कर दिया गया। पहले इसके अंदर लगा हुआ था स्मॉल वाला जो कि आप देखते हो, अदर बाइक में लगे हुए छोटे वाले, बट हमने हटा कर इसके अंदर लगा दिया लॉन्ग वाला जो कि आप देख सकते हैं। और लॉन्ग वाला लगाने के बाद साथ में इसमें लगा दिया जेरिकन जो कि मिलते हैं आपको लॉक वाली, ये भी इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया गया, देख सकते हैं। और इसे लॉक ना जब चाहो इसे निकाल कर रख सकते हो आप कहीं पर भी, और जब चाहो आप इसे इजीली लगा सकते हो, क्योंकि जब ये राइड पे जाएगी तो राइड पे सबसे ज़्यादा जरूरत होती है पेट्रोल की, क्योंकि जब भी जाते हैं ना तो पहाड़ों में पेट्रोल पंप की ज़्यादा पेट्रोल पंप कम होते हैं, तो उसी कारण इसमें पेट्रोल रखने के लिए ये जेरिकन लगा दिया। इधर भी सेम देखने को मिलेगा आपको, इस तरफ भी देख सकते हैं जैसे क्रैश गार्ड और जेरिकन उस तरफ वैसी जेरिकन मिलेंगे आपको इस तरफ भी, देख सकते हो लुक कुछ इस तरीके से आ रही है लगने के बाद। और इसके बाद आपको दिखाता हूँ इसके अंदर फॉग लैम्प जो कि लगा दी गई इसके अंदर, तो आप ये भी इसके अंदर इंस्टॉल कर दी गई। तो टूरिंग मोड के अंदर क्या होता है, सबसे ज़्यादा आपने क्रैश गार्ड लगवा लिया, आपने जेरिकन्स लगवा ली बोथ साइड, बट उसके बाद आपको जरूरत पड़ती है फॉग लैम्प की, क्योंकि पहाड़ों में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है आपको फॉग लैम्प्स की। तो कि इसके दिखाता हूँ आपको रोशनी किस तरीके से आने वाली है इसकी, ये देखिए ये आपकी भाई वाले की जो आपको मिलता है वाइट रोशनी, देख लो किस तरीके से आ रही है आपको, ये होगी वाइट, ये होगी आपकी येलो, ये आपकी होगी भाई वाली। और नीचे आपको दिखाऊंगा इसके अंदर ये मिलेगी आपको 2-3 फ्यूचर है जो देख सकते हो आप, ये भी इसके अंदर इंस्टॉल्ड है। और अब दिखाता हूँ इसकी भी रोशनी आपको, देख सकते हैं ये देखिए, ये आपका हो गया येलो, ये आपका हो गया वाइट, येलो वाइट, देख रहे हो आप कितनी दूर तक रोशनी जा रही है। तो जब दो लाइटें जलेंगी तो रोशनी आपको पता है कि कितनी बेहतरीन निकल के आने वाली है, रोड प्रेजेंटेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, और रोड पर निकलने के बाद आपको पूरा व्यू नज़र आने वाला है इन 2-4 फॉग लैम्प से, 2 ऊपर 2 लगी हुई आपके नीचे। और इसके बाद साथ में आपको देखने मिलेगा इसका हैंड गार्ड जो कि बर्फ बस्टर हैंड गार्ड है, ये भी इसके अंदर इंस्टॉल कर देंगे। इसे लगाने से क्या होता है, एक तो मिलते हैं सेफ, और दूसरा लीवर भी सेफ हो जाता है, आपके खुद के हैंड भी सेफ होते हैं दोनों तरफ। इधर भी सेम मिलेगा आपको, इस तरफ लीवर और हैंड दोनों होते हैं पूरी तरीके से प्रोटेक्ट, फुली प्रोटेक्ट के लिए लगा दें। मेटल वाला होता है ये रॉड होती है इसकी मेटल की, और ये होता है आपको प्लास्टिक का, जो कि आप देख सकते हैं ये इसके अंदर इंस्टॉल्ड है। और इसके बाद दिखाता हूँ आपको टैंक पैड जो कि इसके अंदर लगा रखा है, ये इसका टैंक पैड, इधर आपको देखना है थाई पैड जिससे आपका टैंक हो जाता है पूरी तरीके से सेफ, क्योंकि जब भी आप राइड करते हैं, राइड करते हुए क्या होता है इधर आपको साइड में पैंट लगने से आपकी ख़राब होता है थाइस, इधर आपकी ख़राब हो जाती है आपका टैंक का बीच का पोर्शन, तो ये करता है पूरी तरीके से टैंक को प्रोटेक्ट टैंक पैड और थाई पैड लगाने के बाद। और इसके बाद आपको देखने मिलेगी इसके अंदर जो टूरिंग का सबसे मेन महत्व है, जब भी आप राइड पर जाते हो तो सामान वगैरह की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है रखने की, तो उस केस में इसमें लगा दिया है टॉप बॉक्स विद सैडल स्ट्रे और पैनियर, ये देख सकते हैं आप, ये आपका लगा देंगे MG का ओरिजिनल जो कि आपको देखने मिलेगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पर MG की मिलती है इसके अंदर ब्रांडिंग, और इसके बाद स्पेस हो कितना मिलता है इसके अंदर, ये देखिए काफ़ी सारा स्पेस मिल जाता है इसके अंदर। और इसके अंदर ना एक और इसकी स्पेशलिटी है कि इसके अंदर आपको मिल जाते हैं 2 चाबी और एक लॉक एक्स्ट्रा, इसमें एक लॉक एक्स्ट्रा भी मिलता है, लॉक और पैडिंग वगैरह होती है ना इसकी, ये मिलती है आपको काफ़ी फुली वाटरप्रूफ वाली जो कि मिल जाती है। उसमें ना कुछ भी आप डॉक्यूमेंट वगैरह रखना चाहते हो तो वो इनके अंदर रख सकते हो आप इजीली। और उसके बाद स्पेस देख लो आप, और ये होते हैं आपके डिटैचेबल, डिटैचेबल बोले तो जब भी आप चाहो इसे निकालना तो सिंपली कुछ नहीं करना आपको, इसको लॉक को खोलना है, ये देखिए लॉक खोलने के बाद इसको आप निकाल सकते हो इजीली, देखिए ये आपका निकल गया, ये हो गया डिटैच, और अब जब चाहो लगाना तो इसको आप इजीली लगा भी सकते हो, देखिए ये देखिए ये आपका लग गया, ये हो गया आपका। और इसके बाद चाबी से लॉक लगाइए, और लॉक लगवाने का समझ लो टेंशन फ्री, आप कहीं भी निकल सकते हो। अब सेम इधर सेम ऐसे आपको मिलेगा इस तरफ, ये भी आपको डिटैचेबल वाला है, ये भी आपको मिलता है इसके अंदर स्पेस वही, और ये मिलता है वो 28 लीटर के, सेम इधर 28 मिलेगा आपको उस तरफ, दोनों तरफ मिल जाता है स्पेस, देख सकते हैं बेन नीपेड वगैरह जो इसके अंदर रख लिए, बाकी और भी कोई सामान रखना हो तो वो भी इसके अंदर ईजीली रख सकते हैं, कोई भी सामान चाहे आपका लगेज हो, सामान हो, या आपके कपड़े वगैरह हो, या कुछ भी खाने पीने कुछ भी सामान आप इसके अंदर इजीली रख सकते हो। और इसी तरीके टॉप बॉक्स मिलेगा आपको, इधर से टॉप बॉक्स के अंदर भी एक इधर देखने मिलेगा आपको, इसके अंदर स्पेस भी काफ़ी सारा स्पेस मिल जाता है आपको, ये हल्की है आपका फॉग लैम्प के लिए, बाकी इसके अंदर भी आप कुछ भी सामान रख सकते हो। पैडिंग इसकी भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत है देख सकते हो आप, और ये मिलता है पूरा मेटल का, ये भी मेटल का, ये भी मिलेगा आपको मेटल, दोनों चीज़ें मिलेंगी मेटल की, और ये भी आपका होता है पूरा डिटैचेबल, जैसे कि आपने देखा पूरा सामान है इसका पूरा टूरिंग के लिए आपकी गाड़ी। एक और चीज़ दिखाऊंगा आपको, ये इसकी डोमिनोर की ब्रांडिंग की मास्टर लेंटर कैप, ये भी इसके अंदर लगा दी गई है, क्योंकि इसका जो होता है मास्टर लेंटर वो होता है आपका प्लास्टिक का, तो वो होता है पूरी तरीके से सेफ। साथ में इसमें मिलेगी रेडिएटर गार्ड देख सकते हो, ये भी आपकी डी का ब्रांडिंग आप देख सकते हैं डोमिनोर की, ये भी इसके अंदर इंस्टॉल कर दी गई है रेडिएटर सेफ करने के लिए। साथ में एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको, ये देखिए इधर मिलता है आपको साइड स्टैंड जैकेट,
ये भी इसके अंदर डोमिनेटर ब्रांडिंग का स्टेनलेस स्टील वाला, ये भी इसके अंदर इंस्टॉल कर दिए गए। इसे लगाने से गाड़ी आपकी स्टेबल खड़ी रहेगी, स्टैंड भी आपका बिल्कुल भी नहीं घिसने वाला है। तो ये तो थी डोमिनोर की मॉडिफिकेशन जो आपने देखी बाहर, ये मैंने कर दिए कंप्लीट। और अब मिलाता हूँ मैं भैया से, जिन भैया की ये बाइक है उनको कैसा लगा, आइए सर। तो सर पहले तो बताए कैसे हैं आप और आपको कैसा लगा काम? हाय, मेरा नाम गौरव है, मैं नोएडा से स्पेशली मॉडिफाई कराने के लिए ही यहाँ पे आया था, और मैं भैया के काम से और प्रोडक्ट से 100% सेटिस्फाई हूँ। आप भी यहाँ पे कस्टमाइज के लिए आ सकते हैं, मैं स्पेशली रिकमेंड करूँगा इस शॉप के लिए। काम 100% जेन्युइन और ऑन टाइम पे है बिल्कुल। प्राइसिंग वगैरह कैसे? प्राइसिंग बिल्कुल एक्यूरेट भैया, क्योंकि आपने ट्राई करा हुआ तो इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ओन मार्केट से काफ़ी कम है, जो करोलबाग मार्केट है उससे भी कम है प्राइस। आप बताना चाहेंगे आपने कहीं ट्राई कराने के लिए तो एक बार? हाँ, काफ़ी शॉप्स मैंने ट्राई की थी स्टार्टिंग में आने के बाद, फिर मैं आफ्टरनून यहाँ पे आया तो तब मैंने स्पेशली यहाँ पे काम स्टार्ट किया, क्योंकि पहले प्राइसिंग जो करोलबाग का है और अदर में तो आउटर साइड दिल्ली नोएडा काफ़ी रेट है, और अगर करोलबाग में भी देखें तो इस शॉप में काफ़ी जो है रेट रीजनल रेट है और अच्छे रेट है, प्रोडक्ट भी जेन्युइन है। थैंक यू सो मच आने के लिए। और कोई आना चाहे तो क्या रिकमेंड करिए बता बिला? रिकमेंड मैं स्पेशली रिकमेंड करूँगा इस भैया के शॉप के लिए, आप 100% जेन्युइन और प्रोडक्ट की गारंटी भैया की रहती है, आप आइए काम कराइए, आप सेटिस्फाई रहेंगे इस चीज़ के लिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन। ओके भैया, तो ये थे भैया जिनकी बाइक थी, इनका आपने रिव्यू देख लिया। और ये भैया तो रैंडमली, इन्होंने कोई वीडियो वगैरह नहीं देखी थी, ये रैंडमली आए थे पूछते पाछते मार्केट में रेट वगैरह ट्राई। बट अपने पास क्या होता, मैं तो खुद कहता हूँ आप लोगों से कि आप लोग जब भी आते हो ना एक बार मेरे अकॉर्डिंगली मैं कहता हूँ पूरा मार्केट रेट ट्राई कर लीजिए, फिर उसके मेरे पास आओगे तो आपको क्वालिटी और प्राइस दोनों चीज़ का डिफरेंस आपको हमारा मिलने वाला है। क्योंकि आपके अपना राजू भाई ने हमेशा आपको पता है ना कि ऐसे ही बढ़िया सी रेट, बढ़िया आपको वीडियो मिलेगी, बढ़िया मेरा कंटेंट होता है और सब कुछ जेन्युइन प्राइस हो, जैसे कि भैया ने बताई दिया प्राइसिंग से लेकर क्वालिटी से हर चीज़ मैं देता हूँ, क्वालिटी बेस्ट और रेट बेस्ट। तो अब आपको पता ना करना क्या है, कुछ नहीं करना, आपको ना चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर, और अपने जो शॉप का नेम है ना वो है राजू भाई बाइक मॉडिफिकेशंस। तो जब भी आप आएंगे तो इस बोर्ड का ध्यान देना, जो मैंने ये बोर्ड बनवाया ना अभी, ये है मेरा लेटेस्ट बोर्ड, और बाकी डिस्क्रिप्शन में एड्रेस लोकेशन नंबर सब कुछ डाला हुआ है, आप चाहो तो वहाँ से भी कॉल करके कॉन्टैक्ट करके आ सकते हो, लोकेशन मंगा सकते हो। तो वीडियो चाहिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक जैसे गुड बाय।